मंडल आयुक्त ऋतु माहेश्वरी ने परिक्रमा मार्ग और वृंदावन के घाटों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में गंदगी और यातायात की व्यवस्था को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए स्थायी मसूदा तैयार करने की आवश्यकता है। इस मौके पर जिलाधिकारी मथुरा शैलेंद्र कुमार सिंह, मथुरा वृंदावन की नगर आयुक्त सुशांत चौधरी एवं समस्त अधिकारी मौजूद रहे। मथुरा ज़िले में मथुरा वृंदावन नगर निगम की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया जा रहा है। अभी तो निरीक्षण चल ही रहा है और मंदिरों के आसपास जो हमारी मेन सड़कें हैं, घाट हैं, उन पे सफाई रहे, इसी दृष्टिकोण से आज डायरेक्शन भी दिए गए हैं। जो एजेंसीज़ हैं, कुछ मैन पावर की कमी है, दूसरा बहुत इंक्रोचमेंट भी है और कुछ जो डेरीज टाइप हैं या लोगों ने जो पशु पाल रखे हैं उनकी वजह से भी सफाई व्यवस्था में इश्यूज हैं। तो उसमें कैसे उसको सुधारा जा सकता है, नगर निगम को भी उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाने को कहा है। बाकी अगर आगे भी निरीक्षण अभी जारी है तो अगर कहीं भी लापरवाही मिलती है तो जिम्मेदारी फिक्स होगी, अदरवाइज क्या सिस्टमिक सॉल्यूशन हो सकते हैं उस पर काम कराया जाएगा। अब वो मेरी जानकारी में नहीं है। अभी जैसा मैंने बताया, अभी तो खाली परिक्रमा मार्ग का इंस्पेक्शन हुआ है और उसमें जो दो मुख्य बिंदु हैं, एक तो जो पशुपालन लोग कर रहे हैं और वहाँ सफाई नहीं रख रहे हैं, दूसरा जो इंक्रोचमेंट्स वेंडर्स के हैं या शॉप्स के हैं उनके आसपास भी बहुत गंदगी है।